इंदौर डीआईजी कार्यालय और महिला थाने के बाहर पुलिस प्रशासन व स्मार्ट सिटी मिलकर कामगार महिलाओं के लिए एक सुविधा घर तैयार कर रहा है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बताया कि एक सभागृह बनाया जा रहा है जो वेटिंग हॉल की तरह होगा। इसमें दवाइयां, डायपर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए महिलाओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दाहिने तरफ, ये एक स्मार्ट सिटी और पुलिस के कोलैबोरेशन से यहाँ पे एक महिलाओं के लिए एक सुविधा सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे महिलाएं आकर अगर कोई मार्केटिंग करने आए हैं या किसी भी परेशानी में आके यहाँ पे रेस्ट कर सकती हैं। अगर उनके साथ छोटा बच्चा है तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग की भी सुविधा रहेगी। वहाँ अगर कोई डिस्पेंसर्स रहेंगे, आपको कोई भी मास्क चाहिए, डायपर चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ें चाहिए, तो कुल मिला के एक जो इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया है। और चूंकि महिला थाने में लगातार महिलाएं आते रहती है, 24 घंटे आती रहती है, और महिला थाना उस हिसाब से बहुत उसमें जगह है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि कोलैबोरेट करके इसी जगह पे इस सेंटर को बनाया जाए, जिससे कि मैक्सिमम महिलाओं को लाभ मिल सके।